अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड होने वाली है, जिनको विमेन ऑफ स्टील, जिनका नाम है शाइस्ता खानजादा और इनका रोल प्ले कर रही हैं यमुना जैदी। सो इसका फर्स्ट लुक और ट्रेलर जो है ऑलरेडी ARY डिजिटल पर भी आ चुका है। इससे पहले हम जो है एक है निगार, जो लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर थी, उनका रोल किया था माहिरा खान ने, वो हम इससे पहले देख चुके हैं। और इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह लिंक है। हाँ, आप वहाँ से हमारा रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट लुक और फिर इसका ट्रेलर और फिर बताते हैं कि हमें वो कैसा लगा। सो लेट्स बिगिन। इसका नाम क्या है? सिन्फे आहन। ओके, तीन है। सजल अली, शी डजंट नीड अ हीरो। ये सारे सब देखी हुई है, बस इसे छोड़ तो सबकी स्टोरी दिखाएंगे शायद इसमें। बिकॉज़ अ रेस टू बी वन शायद। सजल अली एज अ राबिया सफीर, यमुना जैदी एज शाइस्ता खानजादा, हाँ जिनके ऊपर बेस्ड है। सायरा यूसुफ एस आरजू, नाजुक से। उबरा खान एस महजबीन मस्तान। रमशा खान एस रविश जमाल। सिन्फे आहन तक, ये ड्रामा है जो विमेन ऑफ स्टील, ये सारे ट्रू इवेंट्स जो होंगे और फिर उसके बाद इनकी लाइफ जो है वो किस तरह से, ये आर्मी इन्होंने ज्वाइन की होगी, वो चेंजेस आए होंगे, उसके ऊपर बेस्ड होगी है। और सारी की सारी जितनी भी मतलब लड़कियां हैं उनको इस तरीके से दिखाया है कि दे कैन अलोन सारी चीजें करने के लायक हैं, उन्हें किसी हीरो की जरूरत नहीं है, दे आर हीरो देमसेल्फ। अब हम देखते हैं इसका ट्रेलर तो जो अभी आया है हाल फिलहाल में ही। सो मुझे तो ये अच्छा लगा, इसका फर्स्ट लुक बहुत अच्छा था, पांचों को एक साथ दिखाकर और कौन किस किस का रोल प्ले कर रहा है ये भी दिखाया गया है। ट्रेलर अब देखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ट्रेलर में थोड़ी बहुत स्टोरी भी जस्टिफाई हो जाती है। तो अभी हम इसका ट्रेलर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। जो काम हमारे गाँव के लोगों ने नहीं किया, हमारे खानदान वालों ने नहीं किया, एक लड़की करेगी। ये नहीं देखती, ये काबिलियत देखती है। पठान बनी ना, उसकी बोली से लग रहा है। पाकिस्तान वाले इस घर की इज्जत जिस तरह लेकर जा रही हूँ, गाना भी किसी और लैंग्वेज में लेकर आऊंगी, बल्कि बढ़ा कर लेकर आऊंगी। पश्तून में है गाना। पाकिस्तानियों को कितनी प्यारी लग रही है ना ये, इसके ऊपर रोल अच्छा लग रहा है। विमेन ऑफ स्टील, सिन्फे आहन, काफी छोटा ट्रेलर था। हाँ, स्ट्रगल दिखाया जाएगा इसमें, विमेन का, विमेन पावर दिखाई जाएगी इसमें। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, सबको अलग अलग तरीके से उनकी कहानियां दिखाई जाएंगी कि उनकी जर्नी एंड से लेकर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कैसी रहने वाली है और उन्होंने क्या क्या सिचुएशन फेस की है फैमिली से लेकर सोसाइटी तक, ये भी देखने के लिए हमें मिलेगा। मुझे बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है तो ऑब्वियसली हमें वो जानने के लिए मिलेगा जो हम कहानियों से ही जान पाते हैं, लेकिन एक फिल्म के थ्रू और एक ड्रामे के थ्रू हमें स्टोरी जो है इस तरह से जानने के लिए मिलती है कि हम उसको रियलिटी सामने देख लेते हैं उस शख्स की और लंबे समय तक फिर वो चीज़ याद भी रहती है। ऐसा लगता है कि हमने वो जो चीज़ देखी थी वो आगे तक काम भी आएगी। और बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देखने के बाद कि इस तरीके की स्टोरीज मतलब हर जगह बननी भी चाहिए। अब ये जो पांचों नाम थे ना जिसका ये रोल प्ले कर रही हैं पांचों लड़कियां, मैं इनको सर्च करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि ये रियल में कौन रही होंगी, इनकी स्टोरी देखने वाली हूँ और इनकी सेपरेट वीडियोस होंगी तो हम वो भी जरूर देखेंगे। हाँ, और ये कौन है खानजादा करके, ऊपर से पठान का रोल इन्होंने किया है तो पश्तून में ही सॉन्ग था तभी उर्दू में सब टाइटल्स आ रहे थे। पठान का भी रोल उसने किया है, वो लग भी वैसी रही है। डायलॉग्स भी उनके बिल्कुल वैसे ही हैं कि मतलब पठान को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सो बहुत अच्छी लगी हमें ये वीडियो और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।